नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। वार्ड नंबर 23 मोहम्मदी नगर में अमृत योजना के कारण रास्तों में गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से अब बरसात के दिनों में रास्ते पर कीचड़ हो रहा था, जिसकी वजह से परिसर के नागरिकों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तभी वार्ड के नागरिकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से माजी नगर सेवक आरएफ अब्दुल गनी को समस्या बताई। तभी माजी नगर सेवक ने तुरंत समस्या को जाना और वार्ड नंबर 23 के मोहम्मदी नगर में मुरूम डाला। देखिए माजी नगर सेवक आरिफ अब्दुल गनी ने क्या कहा। वार्ड क्रमांक 23 मोहम्मदी नगर के अंदर अभी यहाँ पर आप माजी नगर सेवक है और यहाँ पर मुरूम डाल रहे हैं, क्या कारण रहा कि यहाँ पर आपने जो है ये मुरूम डाला है? यहाँ की समस्या ऐसी थी कि एरिया का आश्वासन दिया गया था एक नगर सेवक ने और कुछ लोगों ने आके कि भाई पूरे एरिया के हम मुरूम डालेंगे, कीचड़ वीचड़ नहीं होगा, सब सफाई योजना करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन एक गली का मुरूम डालने के बाद दूसरे गले में डाले नहीं गया। तो इधर के लोगों ने समस्या बताई मेरे को, व्हाट्सअप पर आया कि इधर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा, तो ये समस्या दूर करने के लिए मैंने अपने पैसे से खुद के इधर मुरूम डलवाना चालू कर दिया और पूरे वार्ड में ज्यादा लगे हैं वहाँ डालने की तैयारी है। आप वार्ड क्रमांक 23 मोहम्मदी नगर के रहवासी हैं, क्या समस्या थी यहाँ पर? जो आरिफ चाचा के कान पे यह की बात गई कि यहाँ कीचड़ हो रहा है, ये हो रहा, तो उन्होंने पूरे मोहम्मदी नगर का सर्वे किए और सर्वे करने के बाद आरिफ चाचा ने मुझे 9:30-10 बजे कॉल किए और आज 11:30 बजे आरिफ चाचा ने डंपर भेज भी दिए मुरूम का। ये हमारे मोहम्मदी नगर से आरिफ मेंबर साहब ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। यहाँ पर कीचड़ की बहुत तकलीफ हो रही थी, उन्होंने यहाँ मुरूम डाल के बहुत ही मतलब अच्छा काम किया है, अल्लाह उनको जजाए खैर अता फरमाए।